सो हाय गाइस, तो आज की न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो इस वीडियो में कुछ इस टाइप की एडिटिंग सिखाने वाले हैं एंड फेस स्मूथ फुल एचडी और बैकग्राउंड को आप लोग 5 कलर कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, तो इस वीडियो को आप लोग को एंड तक देखना है और चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोग को एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे फ्रेंड्स। और इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप करना नहीं है, ना तो आप लोग इस टाइप की एडिटिंग नहीं कर पाइएगा। तो आप लोगों को कुछ इस फोटो को आप लोग को एडिटिंग करके दिखाएंगे। तो इस फोटो को आप लोग को यहाँ से शेयर कर देना है। तो हम लोग शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर कर दिए। टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आप लोग के फेस पे ब्लैक है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और आप लोग के जहाँ पे ब्लैक है तो मेरे गर्दन पे, तो यहाँ से आप लोग को ऐसे रख लेना है। उसके बाद इसका आप लोग को ब्राइटनेस को बढ़ा देना है और उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। सो तो फिर से आप लोग को टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ट्विन इमेज पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद इसको आप लोग को प्लस में 22 रख लेना है और इसको आप लोग को माइनस में 8 रख लेना है। और इसको आप लोग को प्लस में यहाँ से 23 रख लेना है, 23। और उसके बाद इसको आप लोग को यहाँ से इसको प्लस में आप लोग को 53 रख लेना है। और इसको माइनस में 100 रख लेना और इसको प्लस में 17 रख लेना। और यहाँ से आप लोग को डन कर देना है। डन करने के बाद देखिए हमारा एडिटिंग हो चुका है स्नैपसीड में। तो इस फ़ोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। तो हम लोग इस फ़ोटो को सेव कर लेते हैं और इस फ़ोटो को आप लोग को यहाँ से शेयर कर देना है। तो हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देते हैं यहाँ से। और उसके बाद यहाँ से आप लोग को चले जाना मोबाइल के स्क्रीन पे। तो हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ से आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिए हैं और यहाँ से आप लोग को फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। तो हम लोग ऑल फोटो पे क्लिक कर दिए और ये वाला पी सेट आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। तो इस पी सेट की मदद से आप लोग को एडिटिंग करके दिखाएंगे। तो आप लोग को इसके 3 डॉट का ऑप्शन पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है और यहाँ से इसको डन कर देना है। और उसके बाद उस फोटो पे चले जाना है, इस पे जिस पे पी सेट को आप लोग को यूज करना है। इसके भी तो आप लोग को 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। तो देखिएगा एक क्लिक में आप लोग का बैकग्राउंड और फेस पे कितना लाइट आ जाएगा। देखिए बैकग्राउंड कलर हो चुका है और फेस पे कितना ज़्यादा लाइट आ चुका है। और आप लोग यहाँ से चाहिएगा तो लाइट भी बढ़ा सकते हैं, कलर कर सकते हैं, और मैं नहीं करूँगा लेकिन। और यहाँ से आप लोग इस फ़ोटो को शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग इस फ़ोटो को शेयर कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस फ़ोटो को शेयर कर दिए हैं और उसके बाद इस फ़ोटो को शेयर कर देना आप लोग को स्केच बुक। तो हम लोग स्केच बुक एप्लीकेशन में शेयर कर दिए हैं और उसके बाद स्केच बुक एप्लीकेशन कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। और उसके बाद फ़ोटो को जूम कर लेना है आप लोग को और उसके बाद ब्रश वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। और आप लोग को जो ब्रश मैं बताऊंगा उसी ब्रश को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला ऊपर वाला ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है और सेटिंग इतना रख लेना, आप लोग को 1 रख लेना है, इसको 7, और इसको अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से इस फ़ोटो को हल्का जूम कर लेना है आप लोग को। तो हम लोग फ़ोटो को हल्का जूम कर लेते हैं और यहाँ से भी आप लोग को साइज को यहाँ से भी साइज अपने हिसाब से रख के आप लोग फेस को स्मूथ करिएगा। तो देखिए कुछ इस टाइप से आप लोग को स्मूथ करना है। तो देखिए स्मूथ हो रहा है ना, तो यही आप लोग यही ट्रिक को फॉलो करिएगा तभी आप लोग का फुल एचडी स्मूथ होगा। देखिए कितना हार्ड स्मूथ अभी होगा आप लोग को दिखाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं वीडियो को स्पीड कर दिया हूँ। और आप लोग को लेकिन फेस स्मूथ फुल एचडी करना है तो आप लोग को आराम आराम से वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहे और फेस को आराम आराम से स्मूथ कर लेना है। ये मत बोझना है कि वीडियो में जो स्पीड करके फेस को स्मूथ करते कुछ इस टाइप से कर लेना है, ऐसे करिएगा तो आप लोग का फ़ोटो फुल एचडी स्मूथ नहीं होगा और धुंधला लगने लगेगा। तो आप लोग को फ़ोटो को ख़तरनाक बनाना है तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहे, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता दिए कि कैसे आप लोग को
एडिटिंग करना है, कैसे आप लोग को फेस को लाइट में लाना है और कलर बैकग्राउंड को कैसे करना है, आप लोग को कुछ इस टाइप से बैकग्राउंड कैसे बनाना है, सारा चीज़ इस वीडियो में बता दिए। तो आप लोग को सिर्फ इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फुल वॉच करके वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोग कुछ इस टाइप से एडिटिंग करवाइएगा। और आप लोग ये चाहिएगा कि थोड़ा देख लिए और आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो ऐसे में आप लोग को ये स्टेप आप लोग को स्टेप बाय स्टेप नहीं पता चलेगा और आप लोग फुल HD स्मूथ नहीं कर पाइएगा। तो आप लोग को फुल HD स्मूथ करना है एंड बैकग्राउंड को कुछ इस टाइप से ग्रीन बनाना है। और आप लोग चाहिएगा तो कोई सा भी कलर यहाँ से कर सकते हैं, तो आप लोग को अभी दिखाएंगे। तो आप लोग को अगर ऐसा एडिटिंग करना है तो इस वीडियो को फुल वॉच करिए और आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख के एडिटिंग करिए, तो आप लोग का फुल एडिटिंग होगा, गारंटी के साथ कहते हैं। तो आप लोग को इस वीडियो को सिर्फ फुल वॉच करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग को एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे फ्रेंड्स। और आप लोग को बता दे रहे, मैं आप लोग को हर वीडियो में फुल HD स्मूथ करना सिखाता हूँ और बैकग्राउंड को कलर एडिटिंग एंड आप लोग ब्लर भी कैसे कर सकते हैं। तो ऑलरेडी पहले से वीडियो अपलोड हुआ है, वो वीडियो भी आप लोग जाके देख लीजिए कि आप लोग फोटो रूम एप्लीकेशन से कितना खतरनाक ब्लर करके आप लोग बोका इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो आप लोग को एडिटिंग करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि आप लोग को ये चैनल बहुत मदद करेगी एडिटिंग करने में। तो देखिए हमारा कुछ इस टाइप से फेस स्मूथ हो चुका है, और इस फोटो को यहाँ से आप लोग को शेयर कर देना है। तो हम लोग इस फोटो को यहाँ से शेयर कर देते हैं, तो आप लोग को इस फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में यहाँ से शेयर कर देना है। तो हम लोग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर कर दिए, और यहाँ से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। और आप लोग को सबसे पहले अपने हेयर को एडिटिंग करना है, तो आप लोग को टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आप लोग को। और उसके बाद फ़ोटो को हल्का जूम कर लेना, जूम करने के बाद कुछ स्टेप से अपने हेयर को हल्का हल्का आप लोग कुछ स्टेप से अपने उंगली से उठाइएगा इसको, तो देखिए कुछ स्टेप से आप लोग का हेयर बड़ा हो जाएगा, यानी कि आप लोग का हेयर एडजस्ट हो जाएगा। आप लोग जैसे एडजस्ट करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। तो मैं स्पीड में बता दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे करके अपने हेयर को बड़ा कर सकते हो और सरिया सकते हो, यानी कि एडजस्ट कर सकते हो। तो आप लोग कुछ इस टाइप से अपने हेयर को एडजस्ट कर लीजिएगा और बड़ा भी कर सकते हैं। देखने में देखिए कितना खतरनाक लग रहा है। और उसके बाद इसको यहाँ से डन कर देते हैं, तो यहाँ से हम लोग डन कर देते हैं, और देखिए कितना आप लोग बिफोर एंड आफ्टर कितना अंतर आ रहा है। और उसके बाद आप लोग को बता दे रहे कि अगर कलर करना है तो आप लोग को इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हम लोग यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, और यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और यहाँ से एक प्लस का आइकन मिलेगा, वो उसको आप लोग बैकग्राउंड पे डालिएगा कुछ इस टाइप से। देखिए एक क्लिक में आप लोग कलर आप लोग 5-6 कलर जितना भी कलर करना चाहते हो, यहाँ से जो कलर आप लोग रखना चाहते हो, रेड ब्लू लाल पीला जो कलर भी रखना चाहते हो, आप लोग इस यहाँ से कलर रख सकते हो। देखिए कुछ इस टाइप से ग्रीन कितना खतरनाक लग रहा है, तो मैं ग्रीन रख लेता हूँ, और यहाँ से डन कर देना है। इतना करने के बाद आप लोग को और बोका इफेक्ट लगाना है, तो आप लोग को यहाँ से आप लोग को एड फोटो पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप लोग को डिस्क्रिप्शन में वो PNG मिल जाएगा बोका इफेक्ट वाला, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद फ़ोटो पर एड करिएगा। तो हम लोग ये वाला PNG को एड कर लेते हैं, और यहाँ से डन कर देते हैं। और उसके बाद आप लोग को यहाँ से ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है यहाँ से आप लोग को, और इसके बाद स्किन कर देना है, और उसके बाद आप लोग को कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। और यहाँ से आप लोग को बहुत सारा बनाना है, तो यहाँ से कॉपी कर करके आप लोग बहुत सारा इसको बना सकते हैं। देखिए कुछ स्टेप से आप लोग जितना चाहिएगा आप लोग कॉपी कर करके इसको आप लोग डबल ट्रिपल जितना चाहिएगा आप लोग कॉपी कर करके आप लोग बना के, और अपने फ़ोटो के हिसाब से बैकग्राउंड को आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, यानी कि अपने बैकग्राउंड में एडजस्ट इसको कर लीजिएगा। तो आप लोग देखिए कितना खतरनाक ट्रिक बता दिए, एक PNG से कितना PNG बना सकते हैं। तो देखिए कितना खतरनाक एडिटिंग हो चुका है फ्रेंड।